जिंदगी फॉरएवर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी फॉरएवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल कांत, ये हैं रीना। दोस्तों बहुत ही महान हमारा देश है, इसकी संस्कृति बहुत महान है, इसका गौरवशाली इतिहास है और हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। और इसी इंडिया के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का नंबर वन देश हो। दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि हम सत्संग करते हैं, आज सुबह हमने यहाँ पर गॉड टीवी के लिए लाइव हमने रिकॉर्ड किया और आज यहाँ से इस इंडिया गेट से हम आपको लेके चलते हैं सत्संग पे, जहाँ पे मार्ग सत्य जीवन यानी यीशु मसीह के बारे में हम और बात करेंगे। और ये सत्संग प्रभु का सत्संग है, हम ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर प्रभु का सत्संग हो, हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर मार्ग सत्य और जीवन आए, पूरे इंडिया के अंदर प्रभु की वो रोशनी, प्रभु का उद्धार और प्रभु की मुक्ति। यदि आप इंडिया से प्यार करते हैं तो आएँ हम सब भारत के लिए प्रार्थना करें, अपने इस महान देश के लिए प्रार्थना करें और आएँ चलते हैं सत्संग में। आपका भी स्वागत है। प्रभु के सामने झूठी आराधना नहीं हो सकती, हालेलुया, क्योंकि प्रभु सच्चा है। हम उसकी आराधना शरीर में नहीं कर सकते हैं, उसकी आराधना केवल आत्मा के साथ की जाती है। और आज उसकी हम प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उस पवित्र परमेश्वर को आज हम अपने बीच बुलाएंगे। हालेलुया। अगर अब इस वक्त हम किसी फिल्म स्टार को बुलाएंगे तो शायद वो नहीं आएगा, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को बुलाएंगे तो शायद वो नहीं आएगा, लेकिन प्रभु को बुलाएंगे तो वो आएंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, ताली बजाओ एक बार यीशु के लिए। तो इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा को हम किसी मनुष्य के हाथ में नहीं देते हैं, प्रभु के हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। तो आए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं सबसे पहले और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, प्यारे प्रभु आज आप हमारे बीच में आए और विराजमान हो, अपने तख्त पर बैठ जाएं प्यारे परमेश्वर, तख्त नशीन हो जाएं प्यारे परमेश्वर, अपने सिंहासन को ग्रहण कर लें प्यारे परमेश्वर। आज की सभा में परमेश्वर हम सब आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, भर जाते हैं, आपके आत्मा से भर जाते हैं, आपकी हजूरी से भरना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। आज हम आपको रूबरू देखना चाहते हैं प्यारे, आज हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं खुदावन्द, आज हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने दुखड़े अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं। और परमेश्वर आज हम जानते हैं कि आप हमें आनंदित करेंगे, आप हमें भरपूर करेंगे, आपके मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलिए पवित्र आत्मा। कई बार कई शायद कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक मित्र है, प्रभु का रूप है। हालेलुया। जैसे हमारा एक शरीर है, हमारा मन है, हमारे अंदर एक आत्मा है, ऐसे प्रभु का भी एक रूप है। तीन रूप है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। हालेलुया। और जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि वो पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। पिता जो है वो अपने सिंहासन पे बैठा है, लेकिन पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है। और आज हम उसको बुलाते हैं, बल्कि वो हमारे बीच में है। तो एक गीत गाएंगे, बोलेंगे आ पवित्र आत्मा, बोलिए तू आ जा, आ मैं प्रार्थना करूं। मीठा सा गीत है, हम मिलके गाएंगे। आ पवित्र आत्मा तू आ जा, आ मैं प्रार्थना करूं। आ पवित्र आत्मा तू आ जा, आ
हालेलुया। गाइए हमारे साथ। पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी शक्ति में आजा, अपनी नम्रता में आ। मिलके बोलिए आप पवित्र आत्मा। अपने बच्चों को दे दे, अंधों की रोशनी तू बन, बोले निर्बल को शक्ति तू दे दे, ले मेरी आत्मा तन मन निर्बल को शक्ति तू दे दे। प्रार्थना करें। ले मेरी आत्मा तन मन निर्बल को शक्ति, निर्बल को शक्ति। हालेलुया। आत्मा तन मन। प्यारे परमेश्वर, हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि आज हम सामर्थ्य की जगह पे आए हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके दरबार में आए हैं परमेश्वर, जहां सामर्थ है, जहां पे छुटकारा है, जहां पे बंधनों से छुटकारा है, जहां पे रोगों से छुटकारा है। प्यारे परमेश्वर, जहां पे हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके परों के अंदर ढकने आए हैं अपने आप को। प्यारे परमेश्वर, आप आज हमें स्वीकार कर लें। प्यारे परमेश्वर, अपना सब कुछ हम समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, अपना तन मन आत्मा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज आप हमें स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की क्या हो, हमारी हमारे नाम को गौरव महिमा नहीं मिलना चाहिए, प्रभु के नाम को गौरव मिलना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी मनुष्य का संग होता है तो वो मनुष्य संग होता है, लेकिन जब प्रभु का संग होता है तो सत्संग होता है। इस दुनिया में बहुत सारी, कई बार हम किसी गुरुओं का संग करते हैं, बहुत सारे लोगों का संग करते हैं, महान मनुष्यों का संग करते हैं, लेकिन वहां पर सत्संग नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्रभु का संग नहीं होता सत्संग और हमको सत्संग करना है, क्योंकि मनुष्य के संग के साथ हमको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मनुष्य के समीप आने से हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पल की खुशी मिल जाएगी लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी जो केवल प्रभु से मिलती है। और आज हम उत्सव मनाने हैं। कितने लोग खुशी मनाने आए हैं यहां पे, कितने लोग आज छुटकारा पा के जाएंगे यहां से। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। यीशु तेरी जय जय। बोलिए यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय 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 हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। बोलिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ओ यीशु तेरी जय जयकार। बोलिए यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, जय हो, जय हो, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार,
जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, बोलो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाते रहे, हालेलुया। अनुग्रहकारी कृपालु है, बोलो अनुग्रहकारी दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, क्रोध विलंब से। जल्दी गुस्सा नहीं आता परमेश्वर को, जितना पाप हो रहा है, जितनी गड़बड़ चल रही है, परमेश्वर को गुस्सा आए तो वो सब कुछ नाश कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो इंतजार करते हैं अपने बच्चों का कि कब वो रास्ते पे आएंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु है, बोलो दयालु है ना। मैं अगर अपने आप के अंदर झांकता हूं तो देखता हूं कि वाकई में वो दयालु है। उसने कैसे मुझे माफ किया है, उसने कैसे मुझे आजाद किया है। अनुग्रहकारी दयालु है, बोलो अनुग्रहकारी यीशु दयालु है, यीशु दयालु, यीशु दयालु है, यीशु दयालु, हाँ वो दयालु है, हाँ वो दयालु, हाँ वो दयालु, अनुग्रह अनुग्रहकारी दयालु है, बोलो अनुग्रहकारी, क्रोध विलंब से करता है, क्रोध विलंब से करता है, करता है सबसे प्यार, करता है सबसे प्यार, जय जयकार। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, जो जिंदा आसमान में है। सारे बोलेंगे, सिर्फ कुछ लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। हम यहाँ पर धर्म कोई धार्मिक सभा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा समझता है तो हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही, यहाँ तो प्रभु की बात हो रही है। प्रभु की बात हो रही है, प्रभु की आत्मा की बात हो रही है, प्रभु के उस उद्धार की, महान उद्धार की बात हो रही है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए मुहैया किया, जो हमारे लिए तैयार किया, जो प्रयोजन यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बनाया है, हर बंधन से छुटकारे का। हालेलुया। बोलिए छुटकारा। कौन नहीं चाहता है मुसीबत से छुटकारा? सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है शैतान से छुटकारा? सब चाहते हैं। क्योंकि हम, कौन नहीं चाहता है पाप से छुटकारा? हम सब चाहते हैं। रूपा जी छुटकारा चाहते हैं, ओजा साहब छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि वाकई में हम अगर वेदांत पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि पापो हम पाप कर्मा हम, कि हम पाप में हैं और हम पाप के कार्य करते हैं। और वो कहता है कि पाप आत्मा पाप संभव, कि मेरे अंदर पाप की आत्मा है और मैं पाप से ही पैदा हुआ हूं। पापो हम पाप कर्मा हम, पाप आत्मा पाप संभव, चारों तरफ हम पाप से घिरे हुए हैं। लेकिन पर वो कहता है कि त्राही माम पुंडरीकाक्षम, त्राही माम, उसके सामने हम जाते हैं। वो कहते हैं तो हमें बचा परमेश्वर, सर्व पाप हर हरे, हर पाप से तू मुझे आजाद कर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कितना भी बड़ा संत सन्यासी पंडित पादरी मौलवी कोई भी ना हो इस दुनिया में, सबके सब पाप की चपेट में आए हैं, सबको उस पाप से उद्धार चाहिए।
हालेलुया। हम कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। कर्म के हम चक्कर में, हमको आजाद होना है, क्योंकि ये जो कर्म है ये हमसे हो जाता है, गलत काम हमसे, क्योंकि जो कर्म है वो स्वचालित है। हम कर्म बद्ध हैं, हम कर्म में बंधे हुए हैं, लेकिन प्रभु हमको आजाद करता है। हम इस कर्म के कारण इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीजों में, अनेक बंधनों में फंसे हुए, लेकिन प्यारा यीशु मसीह हमको हर कर्म के बंधन से आजाद करता है। और भी कोई हमारी भाई बहन या भाई को छोटी सी गवाही देना चाहें, एक दो गवाहियां सुननी चाहिए, विश्वास बढ़ता है, गवाही आप देना चाहते हैं प्लीज आइए। मेरा नाम सुमन है, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं ना, हम मेरा हाथ, ये हाथ कांपता है, प्रभु ने मेरे को छुआ है, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में आए, और बहुत अच्छा लगता है, प्रभु ने मेरे को छुआ है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को पहले गुस्सा आता था, अब बिल्कुल नहीं आता। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, आमेन। बोल यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु का सबके साथ धन्यवाद और स्तुति हो कि मैं प्रभु यीशु के साथ हूँ। प्रभु ने अभी तक बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए सच्चाई की ओर मुझे लाया। हर दर्द, दिल का दर्द प्रभु यीशु ने मेरा जाना, और आज जो बहनें अरोरा फैमिली यहाँ पर बैठी है, वचनों के साथ उनको प्रभु ने चलाया। पुनः से हम आए हैं, और जब वचनों के साथ उनको प्रभु ने मुझे चलाने के लिए बताया, और आज उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। जीजस का धन्यवाद करती हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम जो अगले बार जो सत्संग हुआ था, उसमें मैं और मेरी बेटी निशा आए थे, तो उसको जॉब के लिए प्रार्थना किया, तो उसे बहुत अच्छा जॉब मिला, और मेरे दो बेटियों को भी बहुत अच्छा जॉब मिला है, इतना सुंदर कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं जीजस को धन्यवाद कहती हूँ। और मेरे हस्बैंड को वीज़ा नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर आई थी तो प्रेयर कराया था अनिल खान जी से, तो उनको बिल्कुल ही कुछ किधर से भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था वीज़ा के लिए, तो वो पहली बार ही वो अपने खुद वीज़ा रिन्यू कराने के लिए गए थे, और उनको अपने आप उधर पैसे मिल गए और वीज़ा रिन्यू कराया। मैं जीजस का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। ये गवाहियाँ इसीलिए होती ताकि हम सुने और हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हम जाने कि जब हम जो दुआएं करते हैं तो ये दुआएं व्यर्थ में नहीं जाती हैं, प्रभु सुनता है और उनका जवाब क्या देता है। जवाब, बोल यीशु मसीह जय, हालेलुया। विपदा मिटाने का एक ही रास्ता है, विपदाएं अनेक है लेकिन बचाने वाला एक है, मसीहा उसका नाम है। आज विपदाओं से छुटकारे का दिन है, आज आजादी का दिन है, और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जरूरत, कैसी भी आफत, कैसी भी विपदा हो, प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। आज असंभव को संभव करने का दिन है, क्योंकि आप किसी मनुष्य के पास नहीं, प्रभु के पास आए हैं, आज प्रभु के दरबार में हैं। तेरे द्वारे आऊं मैं, तेरे द्वारे आऊं मैं, तेरी महिमा गाऊं मैं, तेरी महिमा गाऊं मैं। जय मसीह, जय मसीह, बोलो जय यीशु की। जय मसीह, जय मसीह, बोलो जय यीशु की। बोल यीशु मसीह के बंधन में बने हुए हैं, जिसको पाश कहते हैं, और जो पाप के बंधन में बंध जाता है वो पशु हो जाता है, लेकिन उस पाश से निकालने के लिए मसीहा आया है। उसने हर पाप हमारे अपने ऊपर ले लिए, अपनी झोली
दुख लिए सारे अपनी झोली दुख लिए सारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे अपनी झोली दुख लिए सारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे अपनी झोली दुख लिए सारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप स्वयं अपने मुख से विश्वास के द्वारा नहीं बोलेंगे कुछ नहीं होगा। आपके मुख में चमत्कार है, बोलिए मेरे मुख में चमत्कार है। प्रभु का वचन अपने मुख से बोलिए, प्रभु की जो प्रतिज्ञा है अपने मुख से बोलिए और कहें कि आज परमेश्वर मैं हर दुख यहां दे के जाता हूं यीशु मसीह के पास छोड़ के जाता हूं। बोल यीशु मसीह अपनी झोली दुख लिए सारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे। बोलो अपनी झोली दुख लिए सारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे। बोले अपनी झोली दुख लिए सारे क्रूस से बहते प्रेम के धारे। ऐसा प्रेम ना देखा कभी, ऐसा प्रेम ना देखा कभी, ऐसा प्रेम ना देखा कभी। जय मसीह जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह हालेलुया। सेकेंड टाइम है मेरा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत मन में शांति और बहुत आनंद हुआ ये प्रोग्राम में आके। नहीं, प्रभु को धन्यवाद दे, ऐसे सत्संग चलता रहे, सबके दिल में प्रभु यीशु के बारे में जानकारी हुए, प्राप्त हुए और खुशी आनंद मिले, यही प्रार्थना परमेश्वर से करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी अटेंड किया था और इस वक्त भी किया था। जैसे लोगों ने अपना कुछ घटना उनसे घटी थी और उनका बताया था, मगर आज मुझे जाने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी ज़रूर जाता था वहाँ पर। और कुछ एक बात मेरे से भी ऐसी हुई है जो कोर्ट कचहरी की है, और किसी ने ऐसा झूठा केस किया हुआ था तो उसके बारे में मैं कहना चाहता था, मगर मुझे आशा है कि आगे आप अगली बार आएंगे। हाँ, ज़रूर आएंगे। आई एम मिसेस दीपा तहलियानी, आई बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड सिडनी फैमिली, वी एक्सपीरियंस लॉर्ड सिंस 15 ईयर्स एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, वॉट एवर आई एम इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। It's very wonderful. Moreover, it's like you really felt like your own tradition, your own culture in it. And I believe many people will be, you know, blessed through this type of meeting. तो दोस्तों, ये था सत्संग और आपने देखा किस प्रकार से प्रभु की महिमा, उसका गौरव और उसके नाम को हमने जलाल दिया।
इसमें कोई धर्म की बात नहीं, कोई मजहब की बात नहीं, वाकई में प्रभु एक है और हम सब जब मिलकर उसकी आराधना करते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित होता है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में आए तो हम आपके शहर में भी आएंगे, ये सत्संग लेके प्रभु के नाम को लेकर। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने सब पार्टनर्स का, हमारे सब सहयोगियों का जो हमारे इस बोझ को समझते हैं और हमारे साथ सहायता करते हैं, अनुदान भेजते हैं और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। यदि आप भी पार्टनर्स बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप हमें फ़ोन करें और हमें पत्र लिखें तो हमारे कंसलर्स आपको बताएंगे किस तरह से आप हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं। आप अपने पत्र हमको लिखते रहें, अपनी प्रार्थना निवेदन भी हमको लिखते रहें और बताते रहें कि कैसे ज़िंदगी फॉरएवर आपके जीवन में बरकतें दे रहा है। तो इसी जगह इसी समय इसी चैनल पर हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जिंदगी फॉरएवर। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आत्मा तन मन।